थराली से बरसात के शुरू में ही पीएमजीएसवाई एनपीसीसी और लोनीवी की सड़कें हुई बदहाल। बहुत अजब गजब है पहाड़ों में सड़कों के निर्माण करने वाले संस्थानों की कार्य प्रणालियां। हालिया बया यह है कि अभी बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों की ही सड़कें नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक लगातार यातायात के लिए बाधित हो रही है। गनीमत यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो देर सवेर यातायात के लिए एनकेएन प्रकरण से कुछ समय के लिए बहाल तो हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के हालात को जल्द सुधारने की कोई जरूरत नहीं समझ आती। बात करें हम विकास खंड थराली के थराली कूनी पारथा कुराड़ा मोटर मार्ग की या नारायण बगड़ और देवाल ब्लॉक के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के जाने वाली सड़कों की, तो आइए आपको बता दें कि थराली के कूना पारथा कुराड़ा को लेकर जाने वाली सड़क कुराइज के ग्राम प्रधान बताते हैं कि थराली से शुरू होती सड़क अपने अंतिम छोर तक जगह जगह गड्ढों तालाबों में तब्दील हो गई है, लेकिन संबंधित विभाग है कि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग कई बार लोक निर्माण विभाग से पत्रचार मौखिक और टेलीफोनिक आग्रह कर चुके हैं कि बरसात से पहले सड़क पर जल निकास नालियों का निर्माण किया जाए, जगह जगह बंद पड़े कलमटों को खोला जाए और सड़क पहाड़ी की तरफ से सुरक्षा दीवार सहित डामरीकरण किए जाने की बहुत ही आवश्यकता है। परंतु उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की कोई असर नहीं पड़ता, जिससे आम लोग बीमार और प्रसूता महिलाओं को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को चेताया है कि अगर मोटर मार्ग जल्द आम आदमी के आवागमन के लिए सुविधाजनक नहीं किया गया तो लोक निर्माण खंड कार्यालय का तिथि घेराव करने के लिए विवश होना पड़ेगा। पार्थकुराड़ मोटर मार्ग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, पार्थकुराड़ मोटर मार्ग की जो बदहाल स्थिति है ये बयां करने में बड़ा कष्ट हमको होता है, क्योंकि कई बार हम शासन और प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जब ये सड़क थी तो उनसे भी हमने कई बार पत्राचार के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिए कि इसकी थोड़ा स्थिति सुधार की जाए, लेकिन उसकी तरफ से कुछ नहीं। और जब ये अब पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हो गई है ये सड़क, और बार बार अधिकारियों से भी टेलीफोनिक वार्ता भी करते हैं और उनसे प्रार्थना भी कर चुके हैं कि इस रोड को ज़रा इसका सुधारीकरण कर दिया जाए, इसमें जो इसकी बदहाल स्थिति है और कहीं इसका अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम जो कि मानकों के अनुरूप नहीं बना हुआ है, उसके बारे में हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग जो है जान को जोखिम में डाल करके उस सड़क से आने जाने के लिए मजबूर हैं। ना वहाँ पर कोई नालियाँ हैं और ना ही कोई स्कवर वगैरह इस प्रकार से बनाए गए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या काफ़ी दिक्कतों का सामना क्षेत्रीय जनता को करना पड़ रहा है। बार बार क्षेत्रीय जनता जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर दोषारोपण करते आ रही है कि आप लोगों के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तो जानते हैं कि तो सब जिनके अधीन इस कार्य को होना चाहिए वो तो बिल्कुल कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। कुराड़ पारथा मोटर मार्ग की स्थिति काफ़ी बदहाल है। 17 किलोमीटर का ये सड़क है, 17 किलोमीटर के जो सड़क है इसमें ना कहीं नालियां हैं ना कोच हैं। डामरीकरण इसका आज से 5 साल पहले हुआ था, वो डामरीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो पानी आता है पानी काफ़ी। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।